सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, तो अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं उन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस अब आने वाले हैं। इसका मतलब और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जस्ट क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक हम कर चुके हैं। तो आपको अच्छी तरह से अभी तक का पढ़ा हुआ आना चाहिए, क्या क्या हमने किया है, कैसे कैसे किया है, तभी आप ये क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। आपको इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन गिवन होगा, विच इज ax + by + c = 0। आपको उस नॉर्मल फॉर्म को जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन यू हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 7y = 0। x + 7y = 0 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रही हूं, y = mx + c सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में जब भी आप जनरल फॉर्म से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, सारी चीजें राइट हैंड साइड पे आ जाएंगी, बस लेफ्ट हैंड साइड पे आपका y रहेगा। तो यहां पे y फर्स्ट 7y = -x, y = -x / 7। अब ये 0 था, चलो मैं इसको 0 मान के चलती हूं, 0 / 7 इज नथिंग बट 0। तो दिस इज y = -1/7x + 0। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं, x का कोफिशिएंट m और c जो है वो हमारा कांस्टेंट है यहां पे, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c इज y इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज आवर m, m इज नथिंग बट -1/7। बिल्कुल वैसा जैसा हमने इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे थे फ्रॉम जनरल फॉर्म टू दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए जी हम सेकंड पार्ट करते हैं। ऑल्दो सारे बहुत इजी हैं बट हम जल्दी से ये सॉल्व कर लेते हैं। 6x + 3y - 5 = 0, सारी चीजें एक तरफ, सिर्फ y इधर रहेगा, ये बन जाएगा 3y = -6x + 5, y = -6 / 3 is nothing but -2x + 5 / 3, क्योंकि जब ये 3 डिवाइड होगा तो दोनों के साथ होगा। तो ये बन गया हमारा m is -2 and y intercept which is c is equals to 5 / 3। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही होंगे, y is equal to 0। अब ध्यान से देखेंगे, y is equal to 0 ऑलरेडी उसी फॉर्म में कन्वर्ट है, एक साइड y, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड। चलिए जी अगर कुछ नहीं है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, y is equals to mx था, मैं 0x लिख सकती हूं + 0। इसका मतलब हमारा स्लोप भी 0 है और y इंटरसेप्ट व्हिच इज c वो भी हमारा 0 है। तो बड़े इजी क्वेश्चंस है, वैसे ही करने हैं जैसे हमने पहले किए थे, जैसे हमने कन्वर्जन किया था, हाउ कैन वी कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए जी अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। बिल्कुल उसी तरीके से, अगर आपको प्रोसेस याद होगा, आपको याद होना चाहिए हमने कैसे क्वेश्चंस किए हैं। दिस इज 3x + 2y - 12 = 0, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू योर इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, x / a + y / b = 1। सिंपल सा, जब हमने इंटरसेप्ट फॉर्म सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था, जब भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं आपके राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए, जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। x और y के वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ, पर जो भी कांस्टेंट है वो 1 होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट स्टेप में 12 इस साइड राइट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक है जी। अब आपको 12 चाहिए या 1 बनाना है, क्योंकि हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरीके का है, x y 1, तो 1 बनाने के लिए यू विल डिवाइड बोथ साइड्स विद 12, डिवाइड बोथ साइड्स विद 12, 12 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 3x / 12 + 2y / 12 = 12 / 12 is nothing but 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये बन गया x / 4 + y / 6 = 1। इसको इससे कंपेयर करेंगे, x / a y / b = 1, तो आपका a बन गया 4 which is your x intercept,
बन गया 6 which is your y intercept. बिल्कुल उसी तरीके से करने हैं जैसे हमने questions पहले discuss किए थे. Second is, second part of this question says 4x minus 3y is equals to 4x minus 3y is equals to 6. यहाँ पे check करेंगे. Already आपका constant right hand side पे है जहाँ पे उसको होना चाहिए. पर क्या आपका constant 6 होना चाहिए या 1 होना चाहिए? हाँ जी, मेरा constant तो 1 होना चाहिए. तो 1 कैसे आएगा? Divide both sides with 6. Divide both sides with 6. 6 से divide कर लेते हैं. 6 से divide करने के बाद ये बन जाएगा 4x by 6 minus 3y by 6 is equals to 6 by 6 is nothing but 1. इसको आप simplify करेंगे, ये बन जाएगा 2 by 3, ये बन जाएगा x upon 3. अब ये 2 अगर इधर multiply हो रहा था, अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो ये divide हो जाएगा. आपको जब हमने ये solve किया था तब मैंने ये अच्छी तरह से बताया था, तो अब आपको इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए. Minus. अब यहाँ पे अपनी आप form देखेंगे, यहाँ पे plus है या minus है? यहाँ पे plus है, पर यहाँ पे तो minus है, तो हम क्या करते हैं? इसको plus बना लेते हैं और minus आ जाएगा इस 2 के साथ, क्योंकि जो y है वो plus होना चाहिए. यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस हो सकती है. हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म में साफ साफ लिखा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते. अब माइनस है तो क्या करेंगे? माइनस 2 के साथ चला जाएगा, इंटरसेप्ट के साथ चला जाएगा. इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हो ही सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है. इज इक्वल्स टू 1, देन योर x इंटरसेप्ट विल बी 3/2 एंड योर y इंटरसेप्ट विल बी -2. x इंटरसेप्ट विल बी 3/2 and y intercept will be equal to -2. चलिए जी, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. थर्ड पार्ट इसका, and third part says 3y plus 2 equal to 0. 3y plus 2 equal to 0. अब ध्यान से देखेंगे, क्या x intercept है, क्या x coefficient है मेरे पास? नहीं, x तो 0 है, ठीक है, वो दिख रहा है. क्या y है? हाँ जी बिल्कुल है, y का coefficient 3 है. क्या constant part है? बिल्कुल है, which is 2. पर आपको 2 चाहिए या 1 चाहिए होगा? आपको 1 चाहिए होगा. तो क्या करेंगे? अगर किसी को confusion हो रही है वो 0y लिख सकता है. 0y plus 3, 0x plus 3y is equals to -2. पर आपको -2 नहीं चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा 1. तो 1 लेने के लिए हम क्या करेंगे? Divide both sides with -2. -2 से डिवाइड करने के बाद 0 अपॉन -2 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. प्लस 3y अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -2 बाय -2 इज नथिंग बट 1. चलिए, अगर मैं 0 को नीचे लेके आऊं तो ऑल्दो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये सीधा x इंटरसेप्ट 0 बन जाएगा. तो इसको मैं चाहे लिख लूं x बाय 0 प्लस y अपॉन -2 बाय 3 जैसे वहां पे हुआ था इज इक्वल्स टू 1. तो आपका x इंटरसेप्ट बन गया 0 और y इंटरसेप्ट बन गया, x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b बन गया -2 बाय 3. बड़े सिंपल तरीके से आपको ये करना है जैसे हम पहले कर रहे थे. तो x इंटरसेप्ट बन गया 0 एंड y इंटरसेप्ट बन गया -2 बाय 3. x इंटरसेप्ट चाहे आप लिखे चाहे ना लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म. अब नॉर्मल फॉर्म क्या थी आपको पता होना चाहिए. नॉर्मल फॉर्म थी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p. ये हमारी नॉर्मल फॉर्म थी. सबसे पहले आपको ये फॉर्म पता होनी चाहिए. नॉर्मल फॉर्म वाज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p. अब किसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना और निकालना क्या है? फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन. इसका मतलब p पूछा गया है, p निकालना है एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब थीटा निकालना है. या आप
आपके बुक में ओमेगा गिवन है, आप थीटा ओमेगा जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो बोल सकते हैं. तो इन शॉर्ट यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल जो लाइन लाइन के साथ बन रहा है एंड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. चलिए तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट इज एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस 8 इक्वल टू 0. अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या आएगी, ये क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत सिंपल है, बस समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. अब ध्यान से सुनते हैं, ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है, और हमारी जो नॉर्मल फॉर्म है वो ये है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p. इसका मतलब ये जो कांस्टेंट पार्ट है ये हमेशा राइट हैंड साइड पे जाएगा. ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ ऐसे ही कि मेरा कांस्टेंट पार्ट चला जाए राइट हैंड साइड पे. अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, -8. यहाँ पे p की p जो है वो -8 आ गया. अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे वो ध्यान से सुनेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, उनको क्या लगेगा x का कोफिशिएंट क्या है 1. यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, x का कोफिशिएंट cos थीटा, y का कोफिशिएंट sin थीटा, तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे, cos थीटा को बोल देंगे 1 और sin थीटा को बोल देंगे -√3, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा. आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, आपको याद होगा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये है, ax plus by plus c equal to 0. अगर आपको cos थीटा निकालना है फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो उसका फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर आपको sin थीटा निकालना था तो उसका फॉर्मूला क्या था, प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन शॉर्ट cos थीटा एंड sin थीटा अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो आपने क्या किया, cos थीटा को बोल दिया a और sin थीटा को बोल दिया b, जो कि बिल्कुल गलत है, आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते. तो अब क्या करेंगे वो चीज ध्यान से देखते हैं. आपका cos थीटा किसके इक्वल था, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. आपका sin थीटा क्या था, प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो योर स्टेप 1 इज, दिस इज योर स्टेप 1. स्टेप 1 में जो आपका कांस्टेंट पार्ट है दैट विल गो टू द राइट हैंड साइड, वो जाएगा राइट हैंड साइड पे. ठीक है, चला गया. अब क्या करेंगे, अब आपको हमेशा याद रखना है एक चीज, ध्यान से देखना, cos थीटा प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं, sin थीटा प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं, और जो p था वो भी दो वैल्यूज थी प्लस माइनस. पर आप कैसे चेक करेंगे कि cos थीटा प्लस आएगा या माइनस आएगा, sin थीटा प्लस आएगा या माइनस आएगा. साइंस ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑन साइन ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा. साइन मतलब प्लस या माइनस आएगा, cos थीटा प्लस होगा या माइनस होगा, sin थीटा प्लस होगा या माइनस होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन sin ऑफ p. कैसे, आपको cos थीटा और sin थीटा इस तरीके से चूज करना है कि आपका p हमेशा कैसा आए, पॉजिटिव. आपको क्या करना है, फिर से ध्यान से सुनेंगे, cos थीटा और sin थीटा इस तरीके से चूज करना है कि p हमेशा पॉजिटिव आए. अब ये भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है कि कैसे चूज करना है, ध्यान से देखेंगे क्या करना है. हमारी ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, ये हमारा a था, ये हमारा b था, और ये था हमारा c. जब इधर था तो प्लस सी था, इधर जाके माइनस सी हो गया, पर ये सी था. अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, क्या cos थीटा डायरेक्टली a के बराबर है या cos थीटा का ये फॉर्मूला है, cos थीटा का क्या फॉर्मूला है, a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ sin थीटा में भी किससे डिवाइड हो रहा था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से. चलिए जी, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. चलिए कैलकुलेट करते हैं, ए की
वन, बी की वैल्यू क्या है माइनस रूट थ्री, तो अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस माइनस रूट थ्री का स्क्वायर. माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इज नथिंग बट थ्री, थ्री प्लस वन फोर. तो हमारा जो ये वैल्यू आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये क्या आ गया टू आ गया. अब चलिए कॉस थीटा बताइए क्या होगा. कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए, ए इज वन अपॉन साइन थीटा क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा टू. साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है अंडर रूट माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन किससे डिवाइड हो जाएगा टू से डिवाइड हो जाएगा. और पी की वैल्यू क्या थी अगर आपको याद होगा तो पी की वैल्यू भी थी p इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब इसकी वैल्यू सीधा सीधा ये थी a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या देती है हमको a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos थीटा निकलता है, b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin थीटा निकलता है, और c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से p निकलता है. तो ध्यान से देखेंगे, चाहे मैं डायरेक्टली ये कर लूं, यहां पे आते हैं वापस स्टेप पे आते हैं, ये था 1x, चाहे मैं x लिखूं चाहे 1x लिखूं, माइनस रूट थ्री बाय इज इक्वल टू माइनस एट. यहां तक कोई दिक्कत हो रही है. अब आपने क्या किया, आपने अलग से वैल्यू निकाल दी किसकी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ध्यान से देखेंगे ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, या तीनों को डिवाइड कर रहा है, तीनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दिस इज माई ए, दिस इज माई बी एंड दिस इज माई सी. जैसे ही मैं इन तीनों को डिवाइड करती हूं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ये आपकी जनरल फॉर्म से क्या कन्वर्ट हो जाती है, जनरल फॉर्म से कन्वर्ट होके ये आपकी नॉर्मल फॉर्म बन जाती है. तो आज के बाद दिमाग में ये रखना है, जब भी आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम जनरल फॉर्म से आप नॉर्मल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड a, a is coefficient of x, b coefficient of y, and c which is constant by under root a square plus b square. सिर्फ इतना step याद रखना है और कुछ भी नहीं हुआ इसमें, जब भी आपको general form को normal form में convert करना है. चलिए मैं कर लेती हूँ इसको convert, divided by 2, divided by 2, divided by 2. ये 2 से divide होने के बाद ये बन गया 1 by 2x, ये बन गया माइनस रूट थ्री बाय टू वाई, और ये बन गया माइनस फोर. चलो ये बन गई जनरल फॉर्म, पर दिक्कत क्या आएगी कि यहां तो साइन प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, आप कैसे चूज करोगे. हमेशा याद रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा. बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये जो आपका पी निकला है ये p हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ पे ये p पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है. इस p को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद माइनस वन, मल्टीप्लाई टू मेक p पॉजिटिव, p को पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद माइनस वन. माइनस वन से मल्टीप्लाई करते ही ये हाफ बन जाएगा या माइनस हाफ एक्स आ जाएगा, माइनस हाफ एक्स आ जाएगा. ये माइनस रूट थ्री बाय टू वाई हो जाएगा या प्लस रूट थ्री बाय टू वाई, प्लस रूट थ्री बाय टू वाई इज इक्वल टू फोर. दिस इज योर जनरल फॉर्म ऑफ, सॉरी नॉर्मल फॉर्म, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म. सिर्फ इसमें क्या याद रखना है, पहला स्टेप आप ए बी सी तीनों के कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप आपको पी देखना है, पी पॉजिटिव होना चाहिए. पहली बात पी राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, दूसरी बात पी पॉजिटिव होना चाहिए. पी पॉजिटिव करने के लिए एक्स नेगेटिव बनता है, वाई पॉजिटिव बनता है, आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं होना
चाहिए। सिर्फ ये स्टेप आपको याद रखने हैं जब भी आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब ध्यान से देखेंगे, एक्स के साथ वाला नॉर्मल फॉर्म में कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है, वाई के साथ वाला साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी को। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 4। एंड साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार किया है, चलिए जी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3/2। कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर मैं स्ट्रेट लाइंस कर रही हूं तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप ट्रिग्नो भूल जाओगे। हर एक चैप्टर का कोई ना कोई हिस्सा किसी दूसरे चैप्टर में यूज होगा, तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से करें। जो भी आप कर चुके हैं चैप्टर्स, आप उनको बार बार रिवाइज करते रहें, तभी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कॉस इज नेगेटिव एंड साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है जी। चलिए, कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू हाफ होती है, कॉस कितना हाफ होता है, कॉस 60 हाफ होता है, और साइन कितना रूट 3/2 होता है, साइन भी 60 रूट 3/2 होता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, तो थीटा कितना है 60, और साइन थीटा रूट 3/2, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3/2। ऐसे ही वैल्यूज कैलकुलेट करते थे, पहले साइन को इग्नोर कर देते थे, आपने पहले क्वाड्रेंट निकाला, साइन को इग्नोर किया, साइंस को इग्नोर करके आपको ये पता चल जाता है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो थीटा की वैल्यू हो जाती 60 डिग्री। अगर थीटा 60 है बट द नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, द नंबर लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या वैल्यू होती थी थीटा की, पाई माइनस अल्फा। रिवाइज कर लेना इस चीज को, अगर रिवाइज नहीं करोगे दिक्कत आएगी, क्योंकि ये चीज मैं वापस नहीं समझाऊंगी कि कैसे आपने सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज निकाली है। सो यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉस अल्फा निकाल लिया। आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री की असाइनमेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आपने कंसेप्ट किए आप वो खोल के देखोगे, आपको पता चल जाएगा ये कैसे हुआ। पाई इज नथिंग बट 180, माइनस 60 इज 120, तो मेरा थीटा निकल गया 120 डिग्री। तो हमसे यही पूछा था साइन थीटा कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फ्रॉम द सेंटर, थीटा हमेशा सेम आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी, बट थीटा विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड पी इज इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसीलिए इतना टाइम लगा है, नेक्स्ट दो पार्ट्स में टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि बड़े सिंपल से स्टेप है। फिर से रिवाइज फिर से एक बार बता रही हूँ, फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू विल डू, यू विल टेक दिस सी, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, दिस सी विल गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। सेकंड स्टेप में यू विल डिवाइड ऑल दीज थ्री वेरिएबल्स, ऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी विद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज वही एक तरीका है कहां तक पहुंचने का, जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में पहुंचने का एक ही तरीका है। ए बी और सी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में जो ए बी सी होते थे उनको आप डिवाइड कर दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। आप चाहे इसी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइड करने के बाद एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड करने के बाद आप सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे, यू विल चेक पी, जो आपका राइट हैंड साइड पे जो कॉन्स्टेंट है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है, यू विल मेक इट पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन विद -1। When you will multiply it with -1, this will become positive. Positive बनने के बाद coefficient of x is cos theta, coefficient of y is sin theta, and this is p, your perpendicular distance from the center. तो अभी अच्छी तरह से note कर लेंगे, इसके बाद हम next question पे आते हैं, next part पे आते हैं, और उसको करने में ज्यादा time नहीं लगेगा। आपको पुरानी चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए, अगर आपने वो नहीं किया है तो दिक्कत आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज y-2 इक्वल टू जीरो। सेकेंड पार्ट इज y-2
माइनस टू इक्वल टू जीरो. बड़ा सिंपल सा है. क्या करेंगे, जनरल फॉर्म अगर होती तो कैसी होती, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इसका मतलब ये सी होता. पहला मैंने स्टेप क्या बोला था, सी हमेशा आपके राइट हैंड साइड पे आएगा. दिस इज योर स्टेप वन, सी विल बी ऑन राइट हैंड साइड. ठीक है जी, सी राइट हैंड साइड पे आ गया. अब अगर मैं इसको लिखूं 0x plus 1y is equals to 2, तो क्या इसमें कोई गलती होगी? नहीं जी. सेकंड स्टेप में क्या था, डिवाइड बोथ साइड्स विद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही मेथड था आपका जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म पहुंचने का. दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ. ठीक है जी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज ए, ए इज नथिंग बट जीरो. जीरो का स्क्वायर इज जीरो, वन का स्क्वायर इज वन. आपका जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया दैट इज इक्वल टू वन. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका वन आ गया. इसके बाद आप क्या करेंगे, वन से डिवाइड कर देंगे. ठीक है जी, वन से डिवाइड करके ये तो जीरो एक्स ही रहेगा, ये भी वन वाई ही रहेगा और ये भी टू ही रहेगा. उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या था, चेक द साइन ऑफ पी. अब जब आप इसके साथ डिवाइड कर देते हो ना तो ये नॉर्मल फॉर्म बन जाती है. ये ध्यान रखना, जब तक डिवाइड नहीं किया था ये जनरल फॉर्म थी. जैसे ही आपने डिवाइड किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, ये जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म बन गई. चेक द साइन ऑफ पी. अगर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना है, अगर नेगेटिव है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है. ये अगेन यही रहेगा, वन प्लस वाई इज इक्वल टू टू. अब ध्यान रखेंगे ये क्या बन गया, कॉस थीटा, ये क्या बन गया साइन थीटा, और ये बन गया पी. अब ध्यान से देखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो. एक्स के साथ का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट इज कॉस थीटा, वाई का कोफिशियंट इज साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू वन. cos 0 sin 1 कौन सा क्वाड्रेंट या कौन सी एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस. अगर पॉजिटिव y एक्सिस है तो एंगल क्या होगा, cos theta 0 sin theta 0, therefore theta is equals to 90 degree. ये तो देख के पता चल रहा है. और p की वैल्यू आ गई आपकी, p is equals to 2. तो बड़ा सिंपल सा था, तीन स्टेप्स में आपका क्वेश्चन हो जाता है, जो देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे हुआ होगा. चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट पार्ट पे, विच सेज x minus y is equals to 4. x minus y is equals to 4. ये already उसी form में है जिस form में हमको चाहिए. क्या? जो constant c था, वो हमारा right hand side पे होना चाहिए. बिल्कुल सही है. तो हम ये वाला part तो first step तो हमारा skip हो गया. Second में क्या था? Second step में था divide both sides with under root a square plus b square. What is a? x का कोफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट मैं यहां पे लिख रही हूं, इट इज 1x माइनस 1y इज इक्वल्स टू 4. तो a भी हो गया 1, b भी हो गया 1. तो आपको अंडर रूट a वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करना है. अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लेते हैं. x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, ये आ गया अंडर रूट. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज बदल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है. चलिए डिवाइड करते हैं. डिवाइड करते ही मैंने आपको बोला था, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे विद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जनरल फॉर्म की जगह कन्वर्ट हो जाएगी इंटू नॉर्मल फॉर्म. ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है ये चीज. ये हमारा बन गया एक्स अपॉन अंडर रूट टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट टू इज इक्वल्स टू 4 अपॉन अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 2, x अपॉन अंडर रूट 2, y अपॉन अंडर रूट 2. ये क्योंकि हमने अंडर रूट 2 से रूट 2 से इसको डिवाइड कर दिया. चलिए जी, अगर मैं इसको अलग करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूं. अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, आपको ध्यान होना चाहिए, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म. ऊपर जनरल फॉर्म थी, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन थी, डिवाइड करते ही ये नॉर्मल फॉर्म बन गई. इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन रूट 2 एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 वाई इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज 2 रूट 2.
तो यहां से देख के पता चल गया, अब p का वैल्यू साइन देखना है, क्या p पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, p पॉजिटिव आ गया। अब cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 क्योंकि x के साथ का कोफिशिएंट इज cos थीटा एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। अब आप ध्यान से देख के बताएंगे, cos थीटा पॉजिटिव sin थीटा नेगेटिव, cos थीटा पॉजिटिव sin थीटा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा निकालते हैं, कॉस की वैल्यू 1/√2, साइन की वैल्यू भी 1/√2, कौन से एंगल पे? कॉस भी 1/√2 होता है, साइन भी 1/√2 होता है। आपको ध्यान होगा जब भी हम पहले अल्फा निकालते थे हम साइन इग्नोर कर देते थे, मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री, 45 पे कॉस थीटा भी 1/√2 होता है और साइन थीटा भी 1/√2 होता है, बिल्कुल होता है। अल्फा निकल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट या तो थीटा आपका इक्वल होता है माइनस अल्फा के और थीटा इज इक्वल्स टू 2π - α, दोनों बातें सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, या तो थीटा होगा माइनस अल्फा के बराबर या थीटा होगा 2π - α, मैं दोनों में से कुछ भी ले सकती हूँ। सपोज मैं ये लेती हूँ तो थीटा विल बी इक्वल टू 2π इज नथिंग बट 360 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 315 डिग्री, सो योर थीटा इज 315 डिग्री एंड योर p इज 2√2। तो ये था हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। अच्छी तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। What is y1?
1 है तो ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस c प्लस 82 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए क्या है हमारा 12, 12 का स्क्वायर इज 144 एंड बी स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25. 144 प्लस 125 इज 169 और 169 का रूट, चलो मैं 169, ठीक है जी. तो डी हमारा आ गया माइनस 12 माइनस 5 प्लस 82 अपॉन 169 का रूट इज 30. 169 का रूट इज 30. आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17, 82 माइनस 17, ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस 17 प्लस 82 अपॉन 17. ये चीज ध्यान रखना है ये मॉड है, मॉड का मतलब ये जो वैल्यू आई, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो चाहे डिस्टेंस नेगेटिव भी आए आपको उसको हमेशा पॉजिटिव लेके ही चलना है. तो ये आ जाएगा आपका 65, ऑल्दो पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो 65 अपॉन 30 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स. सिंपल सा आपको सिर्फ फॉर्मूला उसमें पुट करना. चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन आर 4 यूनिट्स. फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, सपोज फिर से मैं इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकता है. मैंने अभी पॉजिटिव साइड बनाया है, इट कैन बी ऑन नेगेटिव साइड. आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है. अभी वो पता नहीं है कि पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और राइट हैंड साइड भी हो सकता है. हुज डिस्टेंस फ्रॉम लाइन आर 4 यूनिट्स. सपोज कोई लाइन है यहाँ पे, तो कह रहा है इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है. जो d है वो 4 यूनिट है. d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन. और लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है आपको? लाइन की इक्वेशन गिवन है x by 3 plus y by 4 is equals to 1. x by 3 plus y by 4 is equals to 1. अगेन वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, पर इसमें क्या फर्क है? वहां पे डिस्टेंस निकालना था या दिया था? निकालना था. यहाँ पे डिस्टेंस दिया है बट क्या नहीं गिवन है, सिर्फ ये बताया है ये पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है. अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, 0 और लेट्स टेक इट एज a, 0. अगर x एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. नाउ द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0, क्योंकि y एक्सिस पे, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? इक्वेशन ऑफ लाइन है x by 3 plus y by 4 is equals to 1. अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगी या उसमें जनरल फॉर्म ऑफ लाइन की इक्वेशन यूज होगी? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज होगी, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम जनरल फॉर्म में. उसको कन्वर्ट करने का तरीका, यू हैव टू टेक द एलसीएम. ये आ जाएगा 4x plus 3y is equals to 12. पर ये अभी भी जनरल फॉर्म नहीं बनी, चलो इसे बना लेते हैं. 4x plus 3y minus 12 equal to 0. ये बन गई हमारी कौन सी फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. और फॉर्मूला क्या था? d is equals to, d की what is d? d is nothing but 4 units already given है, तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर रही हूं. 4 is equals to ax1. a क्या है हमारा? 4. x1 क्या है हमारा? a, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, प्लस b इज आर 3 यूनिट्स, y1 इज 0, तो ये 0 बन जाएगा. चलो मैं लिख लेती हूं 3, 3 × 0 प्लस व्हाट इज c? c इज 12 या माइनस 12? माइनस 12, तो ये पूरा का पूरा माइनस 12 बन जाएगा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये बन जाएगा 25.
सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12 अपॉन 5, ये बन गया 20 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल वैसा ही है जैसे हमने पहले किया था। हम पहुंच गए हैं 4 इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12 अपॉन 15। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन अगर यहां पे सपोज वैल्यू आ जाती माइनस 12, माइनस 12 का मॉड 12 लिख लेते, यहां वैल्यू आ जाती 12, 12 का मॉड भी आता 12। अब याद रखना, अगर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई तब तो मैं उसको पॉजिटिव बना सकती हूं, पर अभी इसको मैं पॉजिटिव, इसको मैं ये मान के नहीं चल सकती, ये पक्का 4a माइनस 12 ही होगा। क्योंकि अगर a छोटा हुआ, a की वैल्यू सपोज 4 हुई, तो 4 4 जा 16 माइनस 12, फिर तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। बट इफ 4 की वैल्यू, a की वैल्यू 1 हुई, तो 4 इंटू 1, 4 माइनस 12 माइनस 8, बात तो गलत हो गई क्या? माइनस 8 डिस्टेंस बताएगा कभी भी? नहीं। तो अब दो केसेस जनरेट होंगे, कौन कौन से? या तो मैं यही लिख लेती हूँ 20 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a माइनस 12, या तो ये प्लस माइनस हो, या तो प्लस 4a प्लस 12 होगा, या माइनस 4a माइनस 12 होगा। चलिए दोनों के साथ कंपेयर करते हैं, 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, जब मैं इसको प्लस ले रही हूँ, 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12, जब मैं इसको नेगेटिव ले रही हूँ। आंसर देख लेते हैं क्या आता है, 20 प्लस 12 32 इज इक्वल्स टू 4a, a की वैल्यू आ गई 8, 20 इज इक्वल्स टू माइनस 4a प्लस 12, माइनस 12 इधर आ गया, 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू माइनस 4a, 20 माइनस 12 इज 8 इज इक्वल्स टू माइनस 4a, a की वैल्यू आ गई माइनस 2, a की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो a क्या क्या हो सकता है, a माइनस 2.0 भी हो सकता है अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, और a 8.0 भी हो सकता है इफ इट लाइज ऑन द राइट हैंड साइड। अब ध्यान से हमेशा देखना, जब भी आप मॉड फंक्शन ओपन करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, जब भी मॉड फंक्शन ओपन करते हैं दो वैल्यू जनरेट होती है, कौन कौन सी? पॉजिटिव x और नेगेटिव। पॉजिटिव x कब जनरेट होता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है। नेगेटिव x कब जनरेट होता है? x लेस देन 0 होता है। तो आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये पक्का पॉजिटिव ही आएगा, पक्का नेगेटिव ही होगा, ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो फिर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो आपको फिर पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने पहले नहीं की है, बस आपको सारी चीजें अच्छी तरह से रिवाइज करनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालना है क्वेश्चन नंबर सिक्स। पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सबको आता है, C1 माइनस C2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं उनकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूं, सपोज दो पैरेलल लाइंस गिवन है, 15x plus 8y minus 34 equal to 0, पहली ये लाइन है, दूसरी है 15x plus 8y plus 31 equal to 0. When two lines are parallel, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो उन लाइंस के हमेशा a और b जो x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। कौन सी चीज वेरी करती है? ये जो c है ये वेरी करता है। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि लाइन जो है, दैट इज दीस टू लाइंस आर पैरेलल, कब? व्हेन कोफिशिएंट ऑफ a एंड b आर सेम, और c जो है वो दोनों का डिफरेंट है। चलिए जी, अब अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूं, तो आपका जो a1 है, a है
वो 15 है क्योंकि सेम है तो दोनों में सेम रहेगा. b is equals to 8, c1 की वैल्यू है -34 और c2 की वैल्यू है +31. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, d आ जाएगा हमारा c1 is -34, c2 is -31 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 15 का स्क्वायर इज 225. मैं लिख लेती हूँ पहले 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 10, ये बन गया -65 अपॉन 15 का स्क्वायर इज 225, 8 का स्क्वायर इज 64, 225 प्लस 64 289 और 289 17 का स्क्वायर होता है. यहां तक बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे हम कर रहे थे. अब ध्यान से देखेंगे -65 डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस कभी भी -65 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. तो डिस्टेंस विल बी 65 क्योंकि मॉड ने माइनस को प्लस बना दिया, ये बन जाएगा 65/17 यूनिट्स. तो ये था हमारा फर्स्ट. अब आते हैं सेकंड पे, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला यूज होगा. सेकंड है l x plus y plus p equal to 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड है l x plus y minus r equal to 0. अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इसमें जो x एंड y है, अलग से x का कोफिशिएंट, अलग से y का कोफिशिएंट l है, और जो कांस्टेंट है वो है हमारा p और r. चाहे आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, ये बन जाएगा lx plus ly plus p equal to 0. x का कोफिशिएंट l, वैसे तो यहाँ पे भी नजर आ रहा था, पर चलिए कोई बात नहीं, अलग करके लिख लेते हैं. y का कोफिशिएंट भी l, यहाँ पे आते हैं lx plus ly minus r equal to 0. ये सोचना नहीं है, l आ गया फिर क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता. l की जगह अगर 2 भी आता तो भी क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं जी, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करते. अब ध्यान से देखेंगे, x का कोफिशिएंट l, y का l, x का l, y का l सेम है. किसका कौन सी चीज बदल गई है? C, यहाँ पे C की C1 आ गया P और C2 आ गया माइनस R. चलिए चलिए लिखते हैं, A is L, B is also L, C1 is P and C2 is R minus R. फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं. D का फॉर्मूला क्या था? C1 minus C2, P minus minus of R, ये बन गया P plus R upon under root A square plus B square. A square क्या है? A की वैल्यू क्या है? L, B की वैल्यू भी है. L square plus L square, ये बन गया P plus R upon L square plus L square is 2L square, under root 2L square आ जाएगा, ये under root 2L square. root solve करना आता है तो L square अगर root के अंदर है तो बाहर जाके L बन जाएगा, ये बन जाएगा P plus R upon L, बाहर आ जाएगा रूट टू. मॉड ऐसे ही रहेगा, मॉड को मैं नहीं अभी ओपन कर सकती क्योंकि जब भी अंदर मॉड के अंदर वेरिएबल्स आए तो अगेन दो वैल्यूज जनरेट होती है, एक प्लस p प्लस r, दूसरा माइनस p प्लस r. तो कोई बात नहीं, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, जैसा है आप उसको वैसा ही रहने देंगे. ये बन जाएगा 1/√2 p प्लस r अपॉन l. दिस इज योर डिस्टेंस. बिल्कुल सेम वैसे ही किया है, बस थोड़ा सा क्या अलग हुआ है, सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं. अब इसको नोट करेंगे. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3. Although, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं पर फिर से देखते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस, एक लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन है 3x -4y +2 इक्वल टू 0. इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन गिवन है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. किसकी? इसकी इक्वेशन तो गिवन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी. और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2, 3. और ये जो लाइन है इस पे कहीं एक पॉइंट है -2, 3 एंड दीस टू लाइंस आर पैरेलल. आपको याद होगा लाइन की इक्वेशन निकालने के जो हमने तरीके सीखे थे,
टू पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म्स, काफी सारे तरीके से कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। उसमें से मेरे पास इस लाइन पे एक पॉइंट भी गिवन है पर दूसरा पॉइंट नहीं गिवन। अगर दूसरा गिवन होता तो हम टू पॉइंट फॉर्म यूज करते, ना इसकी स्लोप गिवन है। पर अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या इनकी स्लोप इक्वल होगी? हाँ जी बिल्कुल इक्वल होगी। तो क्या मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकती हूँ? हाँ जी निकाल सकते हैं। कैसे? 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसकी स्लोप निकालनी है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे? माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2, ये माइनस 4y इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 बाय 4x प्लस 1 बाय 2। ये 4 इधर जाके डिवाइड हुआ, ये बन गया 3 बाय 4 माइनस 2 बाय माइनस 4 इज 1 बाय 2। तो ये बन गई हमारी स्लोप। m ऑफ दिस लाइन इज 3 बाय 4। अगर इसका स्लोप 3 बाय 4 है तो इसका स्लोप भी क्या होगा? 3 बाय 4 ही होगा, क्योंकि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल। आपको ये आता होगा तभी अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं रिवाइज किया होगा पुराने अपने वीडियोस को, पुराने अपने कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको ये चीज नहीं बताऊंगी। अब आप स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर लें। यूजिंग स्लोप 3 बाय 4 एंड पॉइंट माइनस 2, 3, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसको सिंपलीफाई करो, ये बन गया 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, ये बन गया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 18 या प्लस 18 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। कैसे पता कर सकते हो सही भी है या नहीं? 3x 3x माइनस 4y माइनस 4y, ये 18 है ये 2 है, तो आपको चेक करने का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन। सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है। लेट्स से दीज आर टू लाइंस और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। सपोज इस लाइन की इक्वेशन गिवन है x - 7y + 5 = 0। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। इसका जो x इंटरसेप्ट है वो 3 है। देखने से नहीं लग रहा होगा पर ये सिर्फ मैंने बनाने के लिए दिखाया है कि कैसे क्या सिनेरियो क्या है दो लाइंस के बीच का। दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर x इंटरसेप्ट है तो क्या आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? क्या थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन? y is equals to mx plus c। आपको क्या पता होना चाहिए? स्लोप पता होनी चाहिए किस लाइन की? जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है तो इक्वेशन से क्या स्लोप निकल सकती है? हाँ जी। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक की स्लोप गिवन है दूसरे की स्लोप निकल सकती है? जी बिल्कुल। कैसे? स्लोप ऑफ टू लाइंस, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस 1 या नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। चलिए x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप निकालना है, ये बन जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस x बाय माइनस 7 इज x बाय 7 प्लस 5 बाय 7। तो हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c, m निकल गया 1 बाय 7, इसकी स्लोप निकल गई m1, इसकी स्लोप निकल गई माइनस 1/7। अगर इसकी स्लोप माइनस 1/7 है तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप मैंने मान लिया m1, इसकी स्लोप मैंने मान लिया m2। l1, दिस इज लाइन l1, दिस इज लाइन l2। l1 इज परपेंडिकुलर टू l2, देयरफॉर m1 इज इक्वल्स टू माइनस 1/m2
या तो इनका प्रोडक्ट माइनस वन होगा या ये नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे एक दूसरे के. तो अगर m1 is 1/7, sorry it is not minus 1/7, it is 1/7, तो m2 क्या आ जाएगा, m2 will be -7. नेगेटिव, एक तो नेगेटिव हो गया, दूसरा रेसिप्रोकल हो गया, 1/7 का रेसिप्रोकल 7 और नेगेटिव इसका आ गया -7. तो m2 निकल गया -7. अगर m2 -7 निकल गया और x इंटरसेप्ट गिवन है, x इंटरसेप्ट गिवन है या y इंटरसेप्ट गिवन है, इट इज x इंटरसेप्ट. अगर x इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू m x माइनस y. ये तब था अगर y इंटरसेप्ट होता, पर आपको गिवन है x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट के लिए हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा y इज इक्वल्स टू m x माइनस d. तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, y is equals to m is nothing but -7 जो हमने निकाला था, x minus d की वैल्यू is 3. आप इसको सॉल्व कर ले, y is equals to -7x plus 21, सॉल्व करके ये बन जाएगा 7x minus y minus 21 equal to 0 is equation of our line, required equation of the line. चलिए जी, अब चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे. 9th क्वेश्चन कह रहा है Find the angle between lines. दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है. दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो आपको याद होगा फॉर्मूला 10 थीटा वाला. ठीक है जी, लाइंस है अंडर रूट 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 1. फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन, सीधा सीधा फॉर्मूला है. एंगल बिटवीन टू लाइन निकालने का फॉर्मूला था 10 थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2. यही था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब m1 और m2 थे क्या, m1 और m2 थे स्लोप ऑफ दीज टू लाइंस. m1 इसका स्लोप हो गया और m2 इसका स्लोप हो गया. क्या आप इसकी स्लोप निकाल सकते हो? हां जी, रूट 3x प्लस y इक्वल टू 1 बिल्कुल निकाल सकते हैं. y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 1. तो इसका स्लोप क्या निकल गया, m1 का स्लोप आ गया माइनस रूट 3, m2 का स्लोप यहां पे देख लेते हैं x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 1, ये निकल गया. y is equals to minus x minus 1 upon root 3 upon root 3. y is equals to minus 1 by root 3x minus 1 by root 3. इसका slope निकल गया, m2 निकल गया minus 1 by root 3. बिल्कुल easy questions है, आपने पहले से भी किए हुए हैं. अब क्योंकि हम सारे questions कर रहे हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, आपको ये questions already आते हैं. चलो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे. m1 की स्लोप है माइनस रूट 3, m2 की स्लोप है माइनस 1 बाय रूट 3. चलिए जी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी से. 10 थीटा इज इक्वल्स टू m1 इज नथिंग बट माइनस रूट 3, m2 इज नथिंग बट माइनस 1 बाय रूट 3, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2. 1 प्लस m1 है माइनस रूट 3, m2 है माइनस 1 बाय रूट 3. चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं. 10 थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो गया, माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस 1 बन गया. हमने ये सॉल्व करके लिख लिया, 10 थीटा इज माइनस 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, माइनस 3 प्लस 1 इज नथिंग बट माइनस 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इज 2. ये चलता रहेगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख रही हूँ. अब ध्यान से देखेंगे, 10 थीटा इज इक्वल टू ये रूट, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. आपको पता है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ये बच जाएगा माइनस 2 अपॉन रूट 3 इंटू 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 थीटा आ गया माइनस 1 बाय रूट 3, क्योंकि मॉड है तो ये बन जाएगा 10 थीटा इज 1 बाय रूट 3
10 theta is 1 by root 3. 10 kitna 1 by root 3 hota hai? 10 theta is equals to 10, 30 degree. तो थीटा या तो 30 डिग्री आएगा, आपको या पता होना चाहिए जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो वो दो एंगल्स बनाती है, एक ये एक ये. दिस इज एंगल 1 जिसको हमने थीटा नाम दिया था और इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं. अगर ये 30 होगा तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल विल बी 150. हमेशा याद रखना जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो वो हमेशा आपस में दो एंगल बनाती है. अब इफ वन एंगल इज 30, क्योंकि ये दो लाइंस ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं, ये 30 होगा तो अल्फा विल बी इक्वल टू 150 डिग्री. जो भी हमने उस टाइम इसको डिनोट किया होगा, अल्फा ओमेगा जो भी एंगल था, फाई जो भी था, तो नेक्स्ट सेकंड एंगल विल बी 150 डिग्री. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा. अब चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे. 10th क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 है. द लाइन थ्रू द पॉइंट h, 3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस. एक लाइन है जो दो पॉइंट के थ्रू पास करती हुई जा रही है. चलिए जी, मैंने ये लाइन बना दी. ये लाइन एक तो h, 3 और दूसरा 4, 1 के थ्रू जा रही है. बिल्कुल सही. द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द लाइन. ये लाइन अब किसी दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, मैंने इसको दूसरी लाइन मान दिया. दूसरी लाइन है 7x minus 9y minus 19 is equals to 0 at right angle. थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पर चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको मान लेती हूँ ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है जी. फाइंड द वैल्यू ऑफ h. आपको ये h की वैल्यू निकालनी है. अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होगा, कैसे होगा. एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है. इसमें क्या रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, पर कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे. इसका मतलब दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आपको h की वैल्यू निकालनी है. दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है. जब भी दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, आप उनकी इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते. कौन सा वेरिएबल है जो दोनों लाइंस को जॉइन करता है, कौन सा वेरिएबल है तो दोनों लाइंस को रिलेट करता है, कौन सी चीज है? दैट इज स्लोप. अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर है और इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं m1 इज 1 अपॉन m2. नेगेटिव रेसिप्रोकल. इसका मतलब स्लोप ही एक ऐसी चीज है जो इन दोनों की, जो इन दोनों को के बीच कुछ रिलेशन दिखाती है. चलिए जी, तो क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. 7x minus 9y minus 19 is equals to 0. इसका स्लोप निकालते हैं. ये बन जाएगा minus 9y is equals to minus 7x plus 19. y is equals to minus 7 upon minus 9x. प्लस 19 अपॉन माइनस 9. तो इसका y बन गया 7 अपॉन 9x प्लस माइनस 19 अपॉन 9. तो इसका स्लोप क्या निकल गया? 7 अपॉन 9. ठीक है जी, हमारा फर्स्ट लाइन का स्लोप निकल गया 7 अपॉन 9. अगर इसका स्लोप 7 अपॉन 9 है तो क्या आप इस लाइन का स्लोप बता सकते हैं? अगर मैं कहूं m1 इज 7/9 तो क्या आप m2 बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं. m2 क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव तो माइनस ही रहेगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/7. तो m2 जो होगा दैट विल बी माइनस 9/7. अब यही चीज थी जो दोनों को लिंक करती थी, दोनों को रिलेट करती थी. अब इस लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है और इसकी स्लोप गिवन है, तो स्लोप निकालने का एक तरीका सीखा था. क्या तरीका था? टू दो पॉइंट से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं. कैसे? एक तो हमने इसकी स्लोप निकाल ली बाय यूजिंग अनदर लाइन, और दूसरा मैं इसकी स्लोप निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग दिस टू पॉइंट्स. और वो फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, इन दिस केस m2. व्हाट इज y2? 1 इज y2, तो ये बन गया 1 माइनस 3 अपॉन
4 minus h is equals to minus 9 by 7. इसको सॉल्व करते हैं, 1 minus 3 is minus 2 upon 4 minus h is equals to minus 9 by 7. माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 7 2 जा 14 is equals to 36 minus 9h. ये बन गया 14 is equals to 36 minus 9h. ये हो जाएगा 14 minus 36 is equals to minus 9h. 14 minus 36 is minus 22 is equals to minus 9h. माइनस माइनस प्लस, तो h की वैल्यू आ गई 22 upon 9, जो हमसे पूछा था. कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो पहले से ना की हो. हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस थे जो जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था वो सिर्फ हमने नहीं किए थे, बाकी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, अभी हमने फर्स्ट 10 किए हैं, इसके बाद 8-9 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने किए हैं वो ऑलरेडी आते हैं. थैंक यू.